हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका धंधाई ट्रैक्टर गैरेज इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको स्वराज ट्रैक्टर का पावर स्टीयरिंग सिलेंडर पंप जब लीकेज होता है तो उसे कैसे रिपेयर किया जाता है ये दिखाने वाला हूँ। जब इस सिलेंडर पंप से ऑयल लीकेज होता है तब हमें सिर्फ ऑयल लीकेज का ही नहीं और कई समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। यानी कि जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं तो ट्रैक्टर आउटसाइड खींचता है और कई बार हमें स्टीयरिंग बार बार भी घुमानी पड़ती है। आपने देखा कि किस तरह पंप से ऑयल लीकेज हो रहा है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह हम इस सिलेंडर पंप को खोल सकते हैं। सबसे पहले हम सिलेंडर पंप के रॉड के 27 नंबर नट को खोलेंगे। उसके बाद इस स्टीयरिंग पंप के लॉक नट को हम ढीला कर लेते हैं ताकि बाद में इस लॉक नट को खोलने में ज़्यादा तकलीफ ना हो। पंप के लॉक चेक नट और 27 नंबर नट ढीला करने के बाद हमें 19 नंबर के ये दो बेंजो बोल्ट ढीले करने होंगे, क्योंकि जब हम सिलेंडर पंप की फिटिंग करेंगे तब सिलेंडर पंप में एयर ना रहे, इसलिए हमने ये 19 नंबर के बेंजो बोल्ट ढीले किए हैं। अब हमें स्टीयरिंग आर्म को हथौड़े से मारकर स्टीयरिंग एंड निकालना होगा। अब लूज किए हुए चेक नट को पूरी तरह से खोल लेते हैं। सिलेंडर पंप को अंदर प्रेस करके बचे हुए ऑयल को हमें बाहर निकालना होगा। फिर हमें इस लैंड नट को अंदर धकेलना होगा ताकि हम सिलेंडर पंप के अंदर फिटिंग हुए छोटे लॉक को निकाल सके। पेचकस की मदद से हम इस लॉक को बाहर निकाल सकते हैं। अब हम इस लैंड नट के साथ पूरे रॉड को बाहर निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने लैंड नट के साथ ये पूरा असेंबली रॉड बाहर निकाल लिया है। दोस्तों, आपको बता दूं कि पहले हम इस लैंड नट के ऑयल सील किट को चेंज करते थे, पर अभी 1750 रुपये में ये असेंबली लैंड हमें मिल जाता है, इसलिए अब हम इस पुराने लैंड नट को निकाल कर नया लैंड नट इस रॉड में फिटिंग करेंगे। तो चलिए हम अब आपको आगे की फिटिंग कैसे करते हैं ये दिखाते। अब हमें इस 24 नंबर के नट को खोलना होगा ताकि हम इस असेंबली रॉड को ओपन कर सके। सर,
आप देख सकते हो कि ये दोनों लैंड नट सेम है। दोस्तों पहले हम इस लैंड नट के ऑयल सीड किट को चेंज करते थे, पर ये किट डालकर भी कई बार ऑयल लीकेज होता था, इसलिए कंपनी ने अब ये नई सिस्टम बनाई है ताकि ऑयल सील किट डालने के बजाय हम ये नया असेंबली लैंड नट इसमें फिट कर सकते हैं। ऑयल सील किट हमें 1150 तक मिलता था, पर ये लैंड नट 1750 में मिलता है, पर ये काम असेंबली अच्छा होता है। सिलेंडर पंप के रॉड को हल्का सा ऑयल लगाकर हम ये नया नट इस रॉड में फिटिंग करेंगे। अब इस 24 नंबर के नट को हमें इस रॉड में फिटिंग करना होगा। अभी असेंबली रॉड कंप्लीट हो चुका है, अब हमें इसे सिलेंडर पाइप में फिटिंग करना होगा। अब इस नट को हथौड़ी से हल्का सा मारकर हम अंदर धकेल देंगे। फिर इस लॉक को अंदर फिटिंग करेंगे। लॉक फिटिंग के बाद हमें नट के साथ असेंबली रॉड को आगे खींचना होगा ताकि हम ये चेक नट उस पर फिटिंग कर सके। इसे भी हमें अब फिटिंग कर लेना है। दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे धंधे ट्रैक्टर गैरेज इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक के वीडियो लाते रहे। अब हमें 19 नंबर के ये दो बेंजो बोल्ट पाइप में फिटिंग करने होंगे। अब हम आपको दिखाते हैं कि ये सिलेंडर पंप कैसे काम करता है। दोस्तों आपने देखा कि स्टीयरिंग घुमाने पर किस तरह ये रॉड आगे पीछे काम कर रहा है। अब लास्ट टाइम में स्टीयरिंग आर्म में
ये रॉड लगाकर हम 27 नंबर का नट फिटिंग करेंगे। अब आप देख सकते हो कि हमने पावर स्टीयरिंग सिलेंडर पंप की फिटिंग पूरी कर ली है। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।